उपनिवेशवाद क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद की परिभाषा, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अब हम इसको समझेंगे। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र मतलब या कोई राज्य हो सकता है या कोई देश हो सकता है, ठीक है, के लोगों द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र पर, भाई एक देश का दूसरे देश पर अपना कायम रखना, मतलब कि कोई काम करना, ज़बरदस्ती में शोषण करना या जैसे कि अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करना, ठीक है, और राजनीतिक सत्ता को हासिल करना, अपनी राजनीतिक सत्ता चलाना, वो उपनिवेशवाद है। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने किया था, इसी प्रकार जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पर शासन सत्ता अपनाई, ठीक है, और कॉलोनियाँ स्थापित करी और अपना शासन चलाया, शोषण करा उनका, ठीक है, और अपने लालच के लिए, तो मतलब कि ये किसी दूसरे देश पर, ठीक है, दूसरे देश पर शासन करना, ठीक है, राज कर रहे हैं, ठीक है, कॉलोनियाँ स्थापित कर रहे हैं, उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा राज है, तो ये उपनिवेशवाद है। जैसे ब्रिटेन वाले इंडिया पर करा था उन्होंने, तो वही उसी प्रकार के उदाहरण के रूप में है ये उपनिवेशवाद, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।